हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 6:35 एंड मेरे को घर से निकले हुए हो चुके हैं अराउंड 15 मिनट्स। सो अराउंड 6:20 आई स्टार्टेड फ्रॉम होम और अभी हम चल रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ। सारा मतलब सेटअप वगैरह करके राइड पर निकला हूँ एंड मैंने एक चीज़ रियलाइज किया, इतनी सारी चीजें सेटअप करके जाना बहुत मुश्किल है यार। मतलब सीरियसली मेरे को एक घंटा लग गया सामान सेटअप करने में। यार आज तो गर्मी काफी हो रही है, पता नहीं इतने दिन से बारिश बारिश का मौसम चल रहा था, ठंडा मौसम चल रहा था, आज काफी गर्मी है। एंड सुबह नहाने के बाद जब मैंने वो सामान अपनी बाइक पर लगाया, उसके बाद मैंने अपना जो बैग है उसको बंजी कॉर्ड से माउंट किया अपनी बाइक पर, इतने में इतनी गर्मी लगी मुझे, मेरा सारा मतलब फ्रस्ट्रेशन होने लगा यार जल्दी हो मैं निकलूं यहाँ से फटाफट। बट एनीवे वी आर हिटिंग द रोड राइट नाउ एंड आई होप सफर अच्छा रहे, मजा आए मेरे को भी और आपको भी देखकर मजा आए वीडियो को। सो अभी हम चल रहे हैं जेवर की तरफ जो कि यहाँ से होगा अराउंड 25 किलोमीटर एंड वहाँ से ही हम चढ़ जाएंगे यमुना एक्सप्रेस वे पर। इससे वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी टिल आगरा, देन आगरा से आई विल सी आइदर आई विल टेक अ रीजनल रोड या फिर मैं जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है उस एक्सप्रेस वे से ही जाऊँगा। तो देखते हैं कैसा रहता है सफर। अभी एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने वीडियोस वगैरह देखे थे तो मेरे को पता चला कि ये जो हाईवे है यमुना एक्सप्रेस वे और उसके आगे के भी जो एक्सप्रेस वे हैं इस रोड पर तो उनमें बाइक का भी टोल लगता है। भाई कितना टोल लगता है और कितनी कितनी जगह टोल देना पड़ेगा ये सब भी आज आपको पता चलेगा। सो मैं बताना ही भूल गया कि जो मेरा ट्रिप है ये 4 दिन का होने वाला है, लाइक आना जाना इंक्लूडेड। एंड अपन कवर करेंगे इसमें 2 या 3 प्लेसेस। सो पहली प्लेस तो आप आज जान ही गए, दैट विल बी लखनऊ। मैं कभी ईस्ट यूपी की साइड उस साइड नहीं गया, लखनऊ कानपुर और बाकी यूपी जो इलाहाबाद वगैरह है, प्रयागराज। बट इसलिए मैंने सोचा कि अभी पहाड़ पर तो यार जा नहीं सकते, वहाँ पे हालत ख़राब हो रखी है, मैंने सोचा कि चलो इस साइड ही चलते हैं, अपने स्टेट में घूमते हैं इस बार, यानी फिर कब मौका मिले ना मिले तो लेट्स सी कि कैसा रहता है। सो लखनऊ के बाद मैं कहाँ जाऊँगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, थोड़ा सा सस्पेंस रखना तो मतलब ज़रूरी है। सो गाइज वी आर ऑलमोस्ट एट यमुना एक्सप्रेस वे, अभी हम बस एंट्री लेंगे और अभी तक तो काफी सही चल रहा है, मौसम भी ठीक ही है, इतनी गर्मी अभी नहीं है क्योंकि सुबह का समय है, इट इज 7:06 राइट नाउ एंड मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मैंने एक चीज नोटिस किया, जो मैंने राइडिंग जैकेट खरीदा है उसका जो डिजाइन है यार इसमें काफ़ी मतलब एयर फ्लो हो रहा है, काफ़ी एयर इनटेक हो रहा है। इसमें बाइक चला रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई गर्मी लग नहीं रही मुझे।
सो वी हैव रीच्ड नेक्सस। यार किसी ने टोल तो मेरे से अभी तक लिया नहीं यार। अच्छा यार टोल नहीं है कुछ भी। एक्चुअली बाइक के लिए टोल होना भी नहीं चाहिए यार, कितनी जगह लेते हैं हम लोग, है कि नहीं? आप लोग क्या लगता है, टोल होना चाहिए या नहीं? A few moments later. अरे यार आ गया, बीच में जो खुशी आई थी ना वो अच्छा लगा था उस टाइम कि टोल नहीं है। बाइक लेन बना रखी है क्या लोगों ने? अच्छा कितना भैया? आगरा 205। सो गाइस 205 रुपये का टोल है आगरा के लिए, काफी है यार एज अ टू व्हीलर के लिए तो काफी है। अच्छा रोड अच्छा है लेकिन पैसा भी काफी लग रहा है, इसलिए रोड अच्छा है आई थिंक। पहले भी मैं आ रखा हूँ उस रोड पे पर कार से, और उसमें तो यार आई थिंक एक साइड का 500-600 का टोल लग जाता है। बट आज बाइक का भी पता हो गया। सो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी नाउ। अभी स्ट्रेट अपने को आगरा चलना है, बट उससे पहले मेरे को कुछ खाना है। अच्छी सी जगह आगे मिलेगी, वहाँ पर रुक के खाना खाएंगे, मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे। सो गाइस 93 किलोमीटर्स मेरे आज के पूरे हो चुके हैं और हम अराउंड आई थिंक वृंदावन के आसपास पहुंच चुके हैं। वृंदावन की एग्जिट यहाँ से 10-15 किलोमीटर है मैक्स आई थिंक। एंड अभी टाइम हो चुका है 8:21 और मैंने कुछ नहीं खाया है सुबह से, मेरे को अभी काफ़ी ज़्यादा भूख लगने लगी है। फॉर्चुनेटली मेरे पास पानी तो है बट खाने के लिए कुछ भी नहीं है और भूख मेरे को लगने लगी है, पता नहीं क्यों इतनी भूख लग रही है मुझे आज। एसो रेस्टोरेंट है, ओके रेस्टोरेंट आ चुका है। वृंदावन का एग्जिट 11 किलोमीटर है यहाँ से। सो भाई मैं तो जा रहा हूँ कुछ खाने यहाँ पर अपन रुकेंगे और देखेंगे क्या क्या खाने में है। चाय चाहिए और कुछ खाने को भी चाहिए मेरे को। तो छाँव में खड़ी करते हैं अपनी बाइक। सो गाइस अभी मैं आकर रुका हूँ रेस्टोरेंट में जो रास्ते में मिला है मेरे को, एंड मैंने एक पराठा ऑर्डर किया है एंड उसके अलावा एक चाय मैंने पराठा विद करनी में ऑर्डर किया है। अभी हम आई थिंक 94 किलोमीटर्स मेरे घर से आ चुके हैं। सो आ चुका जी हमारा आलू पराठा। बहुत ज़्यादा खास तो नहीं दिख रहा है बट ठीक है, खा लेंगे भाई। इसके अलावा मैंने एक चाय भी मंगाई है जो बाहर जाके मैं पीऊँगा। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और आ चुकी है चाय पिल्लड़ वाली। इतना कुछ खास नहीं था, बस एक आलू पराठा खाया मैंने, वो भी इसलिए कि भूख लग रही थी, बकवास था टू बी ऑनेस्ट। तो अभी बस से चाय पियेंगे और चलेंगे बस यहाँ से, निकल ही रहे। क्या है कि बारिश का मौसम था वैसे एस्टिमेशन, लेकिन अब गर्मी काफ़ी लग रही है मुझे, मौसम काफ़ी गर्म हो चुका है, गर्मी हो रही है। अरे थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, एटलीस्ट क्लाउड्स वगैरह आ जाए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को। तो मेरे को जुगाड़ करने पड़ेंगे, इसको भिगाना पड़ेगा जैकेट वगैरह को गर्मी से बचने के लिए। तो आप लोगों को मैंने बाइक नहीं दिखाई, बाइक का सेटअप कैसा लग रहा है, आई विल जस्ट शो यू। तो कुछ ऐसी लग रही है मेरी बाइक। यहाँ पर एक बैग मैंने बांध रखा है और ये रहा मेरा टॉप बॉक्स, साथ ही साथ में ये वाला साइड बॉक्स। टॉप बॉक्स में थोड़ा स्पेस बचा है, बाकी दोनों जो बैग्स हैं वो काफ़ी फुल है। अगर कुछ सामान लाना भी होगा तो मैं टॉप बॉक्स में रख के ला सकता हूँ। और ये मेरा फोटो ब्लॉगिंग सेटअप। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी थोड़ी देर में।
भाई लोग अभी टाइम हो चुका है 9:42 AM और हम बस आगरा पहुंचने वाले हैं। जैसे अभी किलोमीटर मुझे कंप्लीट हो चुके हैं 148, सो 150 किलोमीटर बस होने वाले हैं। और अब जाके मुझे थोड़ा सा एक्सप्रेसवे वाली बोरिंग फील होने लगी है क्योंकि यार यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब बस ट्रैफिक है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। बाकी आप नज़ारे देखिए, सड़क देखिए, आसमान देखिए और बस देखते रहिए। तो चलते हैं यहाँ से, 5 मिनट की ब्रेक के बाद मैंने बस एक चिप्स का पैकेट लिया और एक पानी की बोतल। तो अब हम चढ़ने वाले हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर, देखते हैं कितना टोल यहाँ पर हमको देना पड़ेगा। और अभी तक मेरे हो चुके हैं 169 किलोमीटर, टाइम है 10:13। आई थिंक ये यमुना नदी है। और भाई इधर भी बाढ़ आ रखी है, देखा जाए तो आगरा में पेड़ भी डूबे पड़े हैं बीच में, आप देख सकते हैं। मैं एक सेकंड ये गाने बंद कर देता हूँ वरना कॉपीराइट आ सकता है। तो आप देख सकते हैं लगता है ऐसा ना है कि बाढ़ इधर भी है, काफी ज्यादा पानी है भाई, तो काफी तगड़ा फ्लो है। अगर पहाड़ों पर बारिश होगी तो इफेक्टिवली जो पानी आएगा पहाड़ों से उतर कर वो अपनी नदियों से ही जाएगा। तो हिमाचल में जो बारिश हुई उसका मेजरली जो पानी है वो यमुना और गंगा में गया है, और जैसे जैसे वो पानी पहुंच रहा है वैसे वैसे वहाँ पर उस शहर में पानी बढ़ रहा है। और मैं फालतू का ज्ञान ज़्यादा नहीं देना चाहता इसलिए फोकस करते हैं मोटर ब्लॉग पर। तो अब हम एंटर करने जा रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। मेरे को लगा पहले जहाँ हम घुसे थे वो एंट्री है, बट आई थिंक दिस इज द मेन एंट्री और यहाँ पर भी उम्मीद है कि टोल लगेगा। यार ये एक्सप्रेस वे भी काफी प्यारा लग रहा है मुझे, मतलब सीनरी बड़ी अच्छी है यार, यूपी के प्लेन्स ना बड़े सही है भाई, सीनरी के सीनिक व्यूज काफी है। पूरे हो चुके हैं, टाइम हो चुका है 10:21, लखनऊ यहाँ से बचा है कुल 320 किलोमीटर। क्या सही हरियाली है भाई, मानसून में ये तो है कि पेड़ वेड़ एकदम साफ हो जाते हैं और नए नए पेड़ पौधे उगते हैं, तो अभी फ्रेश 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 लगता है दिखने में। हरियाली काफी है यार यूपी में, प्लेन्स में गैंगेटिक प्लेन्स इसे बोलते हैं। फाइनली गाइस एक टोल मिला है मुझे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर, लखनऊ 330 रुपये का टोल। गाइस बाइक से जाना भी सस्ता नहीं है एक्सप्रेस वे पर, 210 लगाते हैं मेरे यमुना एक्सप्रेस वे में और 330 यहाँ, 540 रुपये का टोल है केवल बाइक के लिए। के लिए तो एटलीस्ट 500 रुपया होगा या 600 रुपया भी हो सकता है। ग्लव पहनना तो मैं भूल ही गया। और अभी ना टाइम हो गया है 10:41 और भाई साहब अब होने लगी है गर्मी, जितना मैं चल रहा हूँ तब तक तो ठीक है, काफी एयर लग रही है, एयर फ्लो हो रहा है तो ठीक है, लेकिन जैसे अभी मैं बस टोल के लिए 2 मिनट रुका हूँ और अब जैसे चल रहा हूँ ना तो पता चल रहा है कि भैया बॉडी बड़ी बड़ी गर्मी लग रही है यार। इतनी तो बारिश हो रही थी अभी तक, हर जगह बाढ़ आ रही है बारिश हो रही है, अब यहाँ पे इतनी गर्मी, अब थोड़ी बहुत बारिश में बादल कुछ तो आ जाओ यार, बादल वैसे मुझे दिख तो रहे हैं यार, होपफुली मौसम थोड़ा ठंडा रहे तो अच्छा है यार। अभी मैं रुका हूँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर,
और मैं अभी अराउंड 50 किलोमीटर आ चुका हूँ आगरा से आगे लखनऊ की तरफ। आप देख सकते हैं पीछे माइलस्टोन भी लगा है 50 किलोमीटर्स का। और मैं थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए रुका था। अभी मैंने अराउंड 224 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं सुबह से अपने घर से। एंड लखनऊ अभी भी अराउंड 260-265 किलोमीटर्स बाकी है। गर्मी काफ़ी होने लग गई है, इट्स अराउंड 35 डिग्रीज़ राइट नाउ, और ह्यूमिड है काफ़ी मौसम। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप अगर ये एक्सप्रेसवे पर आ रहे हैं, भले ही वो यमुना एक्सप्रेसवे हो या फिर ये एक्सप्रेसवे हो लखनऊ लखनऊ आगरा वाला, यहाँ पर जब से मैंने स्टार्ट किया है आगरा से यहाँ तक 50 किलोमीटर हो गए, एक भी शॉप नहीं मेरे को दिखी, एक भी एटलीस्ट वो भी नहीं दिखा कि कोई पेड़ की छाव हो जहाँ पर मैं रुक सकूँ। अभी भी मैं रुका हूँ तो एकदम धूप में रुका हूँ, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ी प्लानिंग के साथ आना, क्योंकि बहुत बहुत देर तक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई रेस्टोरेंट, कोई ढाबा, कोई शॉप, कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़ा एक सोचने वाली चीज़ है, बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी मैं यहाँ से बस चलता हूँ क्योंकि काफ़ी गर्मी गर्म हो रही है। फ्यूल हमारा रह गया है आधा, और अभी मैं बताऊँ आपको तो मैं 97 किलोमीटर्स आ गया हूँ आगरा से लखनऊ की तरफ। और भाई साहब, इस हाईवे पर, इस एक्सप्रेसवे पर एक भी मेरे को पेट्रोल पंप या फिर कोई ढाबा या फिर कोई भी मतलब ईटरी वगैरह कुछ भी रुकने की जगह कुछ भी नहीं है अभी तक, बिल्कुल नीलबटे सन्नाटा। यार मेरे को नहीं पता था कि इतना टाइम तक तो कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, वरना मैं तो कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कुछ भी एनर्जी ड्रिंक लेने लेके आता घर से। बट क्या करें यार, ये पता नहीं कौन सी जगह है, मंडी हवेलिया। बस एक ही पराठा खाया मैंने सुबह से, वो भी बेकार सा था। तो अच्छा खाने को मिल जाए बस। यार एक्सप्रेस में थोड़ा बोरिंग तो हो जाती है, तो बोरिंग हो जाते हैं यार थोड़े टाइम के बाद ना, 200-300 किलोमीटर कर लो आप, उसके बाद थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो सोलो जाने में भी थोड़ी बोरियत है, कोई भी मतलब बात करने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, शेयर करने के लिए कोई भी नहीं है। तो है तो सही, बट इसमें एक पीस भी है अलग। मतलब मैं जैसे क्रूज कर रहा हूँ तो मैं दिमाग में पता नहीं क्या गया, कुछ भी सोच रहा हूँ, जो मेरे को ऐसे नॉर्मल दिन में सोचने का टाइम नहीं मिलता वो मैं अभी सोच सकता हूँ। तो ये काइंड ऑफ मेडिटेशन है जो सोलो राइड आपको दिल आपको प्रोवाइड करता है। फाइनली फाइनली एक रेस्ट एरिया आया है, खाने का भी है यहाँ पर, और ये आया है 100 किलोमीटर पार करने के बाद। काफ़ी सही सी जगह लग रही है ये, देखते हैं कैसा है यहाँ पर अंदर जाकर, क्या क्या खाने को मिलेगा। बस मैं अपनी बाइक यहाँ पर लगा देता हूँ। गाइस अभी मैं आ रखा हूँ एक रेस्टोरेंट में जो कि मेरे को मिला है 100 किलोमीटर कवर करने के बाद फ्रॉम आगरा टू लखनऊ ऑन द एक्सप्रेसवे। एंड मैंने यहाँ पर खाने के लिए ले लिया है, ये लिया है मैंने राजमा चावल और एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल। काफ़ी गर्मी हो रही है बाहर, काफ़ी ह्यूमिडिटी है। एंड मैंने यहाँ पर पता किया तो यहाँ पर ऐसा है कि इस एक्सप्रेस वे पर हर 100 किलोमीटर के बाद ही कोई रेस्टोरेंट है, उससे पहले कुछ भी नहीं है। तो आप इधर आते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, मेरे को इतना नहीं पता था, तो मेरे को आज थोड़ा सफ़र करना पड़ा क्योंकि मेरे को प्यास भी लग रही थी और भूख भी लग रही थी आगरा के बाद से ही। तो मैंने 60-70 किलोमीटर चलाया है और मतलब इसी इंतज़ार में कि कब कोई रेस्टोरेंट वगैरह दिखे, बट फाइनली मेरे को मिल गया है। तो अभी मैं यहाँ पर आराम से खाऊंगा, थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, अपना कैमरा चार्ज करूंगा। और लखनऊ यहाँ से अराउंड मेरे ख्याल से 220 किलोमीटर के अराउंड बचा है, और अभी 12:30 के अराउंड टाइम हो रहा है। तो मेरे को अभी 5-5:30 तो एटलीस्ट वहाँ पर पहुँचते पहुँचते बच जाएंगे, बाकी देखते हैं। मज़ा तो आ ही रहा है, आप भी एंजॉय करें वीडियो देखकर। भाई लोग टाइम हो चुका है 1:44 PM और मैंने कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स, 298.6, एंड मज़ा आ रहा है।
काफी खाली रास्ता है एंड इतने अच्छे अच्छे व्यूज दिख रहे हैं, इतने बड़े बड़े खेत दिख रहे हैं, जंगल्स आ रहे हैं बीच में, कभी धूप आ रही है कभी छांव आ रही है। मेरे को अभी 7 घंटे से ऊपर हो गए रोड पर, और लखनऊ अभी भी यहाँ से अराउंड 195 किलोमीटर्स आती है। बीच बीच में फोटोज लेने के चक्कर में मेरे को डिले हो जा रहा है, उसमें भी टाइम जाता है। इस एक्सप्रेस वे पर एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हर 100 मीटर पर ये ऐसे बोर्ड्स हैं, जैसे 800 मीटर वाला गया, अभी 900 मीटर वाला आएगा, 200 किलोमीटर वाला फाइनल बोर्ड आता रहता है। अभी मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ, उसके आगे कुछ 15-16 किलोमीटर के बाद एक रेस्टोरेंट टाइप का भी आएगा, तो वहाँ पर भी मैं रुकूँगा और वहाँ पर कुछ चाय कॉफ़ी पियेंगे। तो अभी मैं आके रुका हूँ आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवे के सेकंड स्टॉप में, और ये जो स्टॉपेज है ये आया है आगरा से 217 किलोमीटर के बाद। पहला स्टॉपेज आया था 101 किलोमीटर पर, ये है 217 किलोमीटर पर। और रास्ते में मेरे को काफ़ी गर्मी लगी है कि टेम्परेचर 35 के राउंड पहुँच चुका है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ ये है कि बीच में कुछ भी नहीं है रुकने की जगह, तो लगातार मेरे को बाइक चलानी पड़ी है। यहाँ पर मैंने लिया सिर्फ एक चाय, यू कैन सी हियर, थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करूँगा। लखनऊ बचा है कुल अराउंड 90-95 किलोमीटर यहाँ से, तो आराम से मैं 5-5:30 तक पहुँच जाऊँगा। अभी टाइम हो रहा है 3:50, सो इजीली मतलब डे टाइम में ही मैं पहुँच जाऊँगा एंड मिलते हैं बाइक पर। अभी हमें लखनऊ से अराउंड 90 किलोमीटर पहले, और ये गंगा का ब्रिज, गंगा में काफ़ी बाढ़ आ रखी है यार, कितना ज़्यादा पानी है, जहाँ तक देखो पानी पानी दिख रहा है, और पेड़ दिख रहे हैं आधे डूबे डूबे हुए। तो मतलब नॉर्मली इन जगहों पर जहाँ पर पानी नहीं रहता है, वहाँ पर अभी फ्लड वाटर आ रहा है। टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 5:58, और हमें लखनऊ बैंक के फाइनली दे दी।